श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के हित और विकास का काम कर रही है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो, उस सोच के साथ बिहार की सरकार का कृषि विभाग काम कर रहा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चतुर्थ कृषि रोडमैप बना है, उस चतुर्थ कृषि रोडमैप को जमीन पर उतारने का काम कृषि विभाग कर रहा है। और आज इन्हीं सब सोच के तहत जो हमारे कोल्ड स्टोरेज के संचालक हैं, उनको दो तरह का सहायता आज कृषि भवन में दिया गया है। टाइप वन के जो कोल्ड स्टोरेज हैं, उन टाइप वन के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए बिहार के 4 कोल्ड स्टोरेज संचालकों को प्रति कोल्ड स्टोरेज 1,40,00,000 रुपए का सहयोग अनुदान आज सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया है। मतलब कुल 5,60,00,000 रुपए की राशि उनको दी गई है। उसी प्रकार से बिजली का भार या बिजली का बिल कोल्ड स्टोरेज पे कम आए, इसके लिए सोलर प्लेट और सोलर सिस्टम लगाने के लिए कोल्ड स्टोरेज मालिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और प्रति कोल्ड स्टोरेज 17,50,000 रुपए के अनुदान राशि दी जा रही है। आज 5 कोल्ड स्टोरेज के संचालक जो हैं, उनको 87,50,000 रुपए का अनुदान कृषि विभाग की तरफ से दिया गया है। और इसके अतिरिक्त 12 जिले ऐसे हैं बिहार में जहां कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वहां के संदर्भ में विभाग का निर्णय है कि बाकी जगहों पे हम 35% अनुदान देते हैं। उन 12 जिलों में यदि कोई आवेदक सामने आते हैं और कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं तो राज्य की सरकार कृषि विभाग उनका स्वागत करेगी और उनको 50% अनुदान देने का काम वहाँ कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए करेगी। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद है कि किसानों के द्वारा उत्पादित फल और सब्जियां जो बाजार में विपणन के लिए जाती हैं, वह रास्ते में खराब नहीं हो या भंडारण करने के दरमियान खराब नहीं हो, कोल्ड स्टोरेज में उनको सुरक्षित रखा जा सके और किसानों को उनके उत्पादन का उचित और बेहतर मूल्य मिल सके। और साथ ही जो हमारे कोल्ड स्टोरेज संचालक हैं, उनको भी कोई कठिनाई नहीं हो, उनको भी सरकार का पूरा सहयोग मिले, इसी मकसद के साथ आज ये हमारे जो कोल्ड स्टोरेज के संचालक हैं, उनको मदद कृषि विभाग की ओर से की गई।